Hello students, welcome back to Vidya Mandir channel. My name is Vivek Harsha and today we are going to start our third chemistry webinar for JEE Main Study Ranking, and the topics are periodic classification and chemical bond. Now, without further delaying the topic, let's start with the analysis of past year problems. So, bachcho dekho, agar aap periodic classification ki baat kare to 2019 jo JEE Main hua tha, usse 5 question aaye the. और जो जेई मेन आपके पास में 2020 हुआ था उसमें जो जनवरी में हुआ था उसमें टोटल 6 क्वेश्चन आए थे. अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें बच्चों तो 2019 में 12 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे जेई मेन के अंदर, और जेई मेन 2020 जो हो चुका है उसमें अभी तक 4 क्वेश्चन आए. तो अब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास में कि जो अभी तक मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं यही केवल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर है ये एक्चुअली हमारे पास में पूरे तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रीगल पार्ट है. इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ऑर्डर्स बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास मिलते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं. तो अगर कोई प्योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करेगा, तो वो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट करता है क्वेश्चन बनाने के लिए. क्या होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? हाउ टू लोकेट एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. देखो, उनका एग्जामिनर को पता है कि आप लोग पीरियड टेबल याद करके नहीं जाते, पूरी पीरियड टेबल आप सबको याद नहीं होती या लिमिटेड बच्चों को याद होती है. तो वो क्या करते हैं कि किसी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर दे देंगे और पूछेंगे इसका ग्रुप नंबर क्या है और उसका पीरियड नंबर क्या है. तो ओवरऑल आपके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा. फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन द पीरियडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ आयनेशन एनर्जी इन द पीरियडिक टेबल एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियडिक टेबल. ओके, तो आप कैसे सबसे पहला टॉपिक सॉल्व करेंगे, हाउ टू लोकेट एन एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल. तो उसके लिए बच्चों मैंने एक ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक का डिस्कशन करते हैं. देखो, मैंने स्क्रीन पे टोटल एक पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन कर रखा है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल नहीं है, ठीक है, बट इस पीरियोडिक टेबल में जो जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब कुछ रखा है. आपको करना क्या है कि स्क्रीन पे दिए गए टोटल जो 14 एटॉमिक नंबर्स हैं उनके ग्रुप नंबर और उनके पीरियड नंबर को अच्छे से याद करके रखना है, और जिस फॉर्मेट मैंने लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको भी लिखना है. अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 30, 39, 48, 57, 72, 80, और भी मैंने एटॉमिक नंबर लिखे हैं. फिर एफ ब्लॉक के स्टार्टिंग का एलिमेंट सीरियम, और लैंथेनाइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट लुटेशियम, एक्टिनाइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट थोरियम, और एक्टिनाइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट 103. कोई मुझसे अगर पूछे कि एटॉमिक नंबर 45 जो है उसका ग्रुप और पीरियड बताओ, तो मैं क्या करूंगा? तो देखो, मुझे 48 तो याद है कि 48 जो है वो ग्रुप नंबर 12 के ऊपर आता है, और पीरियड कौन सा है? 5th. और मुझे ये भी पता है कि 39 से 48 जो वो एक ही पीरियड के अंदर आ रहे हैं, और सामने वाले ने मुझसे क्या पूछा, एटॉमिक नंबर 45. तो मैं क्या कहूंगा, जी एटॉमिक नंबर 45 जो है वो पीरियड नंबर 5 के अंदर आएगा. फिर उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप देखो कैसे निकालूंगा, 48 का ग्रुप नंबर क्या आ रहा है, 12. तो मेरे पास में 47 का ग्रुप नंबर क्या आएगा, 11. मेरे पास में 46 का ग्रुप नंबर क्या आएगा, 10. और 45 का ग्रुप नंबर क्या आएगा, 9. तो ये 9th ग्रुप के अंदर है और 5th पीरियड के अंदर है. कोई मुझसे पूछे एटॉमिक नंबर 84, इसकी आप ग्रुप और पीरियड नंबर मुझे निकाल के बताओ, तो मुझे 80 तो पता है. 80 से मैं क्या करूंगा, जी यहां पर आएगा 81, यहां पर आएगा 82, यहां पर आएगा 83, और यहां पर आएगा 84. तो जी 84 का पीरियड नंबर क्या आएगा, 6th पीरियड आएगा, और इसका ग्रुप क्या बन जाएगा, 13 के बाद में 14, 15 और 16, इसका बन जाएगा 16th. तो बच्चों, जो ट्रिक मैंने बोर्ड पर बता रखी है, प्लीज इस ट्रिक को आप यूज करें, आप इजीली किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो चलो अब आगे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं. पीरियोडिक टेबल में जब भी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो हो गए एटॉमिक साइज. देखो, एटॉमिक साइज को गवर्न करने वाले दो फैक्टर्स होते हैं. एक तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज को गवर्न करने का एक फैक्टर हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो दूसरा फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, सो द नेट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लाई ओवर द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एंड व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को सिंपल शब्दों में बोले, इट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दैट एग्जिस्ट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्पीसीज. अब आखिर इनका यूज क्या है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इनका. क्या है यूज इनका, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, दैट मीन्स वो एटम के साइज को डिक्रीज करने का काम करेगा. जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, दैट मीन्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रिपेल करेंगे, अगर वो रिपेल करेंगे तो एटॉमिक साइज को बढ़ाने का काम करेंगे. अब इन दोनों फैक्टर्स के कारण
पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स डिसाइड किए जाते हैं। कैसे डिसाइड किए जाते हैं? तो अब हम डिस्कस करते हैं जनरल ट्रेंड अब हम डिस्कस करते हैं जनरल ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। आप लोग सबको बताया कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि कई बार इसमें लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकता है रीजनिंग बेस कि आप इसका रीजन भी दो। तो देखो इसका रीजन क्या है, एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। कारण क्या है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों ही बढ़ते हैं, बट शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा कम अमाउंट में बढ़ता है और जेड इफेक्टिव जिस अमाउंट से बढ़ता है वो काफी डोमिनेंट हो जाता है, जिसके कारण से एटॉमिक साइज जो है वो हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव का जो फैक्टर है वो एक डोमिनेंट फैक्टर है। फिर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू जब निकाली गई तो पता लगा कि शील्डिंग इफेक्ट की जो वैल्यू है वो नियरली सेम रहती है, बट जो शील्डिंग इफेक्ट है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, कॉन्स्टेंट इंक्रीज होती रहती है, कहीं कोई बार एक्सपोनेंशियली भी इंक्रीज होती रहती है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता रहेगा इसका मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। ये तो हमने जनरल ट्रेंड निकाला और जनरल ट्रेंड का जो हमारे पास में रीजनिंग है उसको पढ़ा, बट पीरियोडिक टेबल में एबनॉर्मल ट्रेंड बहुत सारे हैं और उन एबनॉर्मल ट्रेंड पे क्वेश्चन आने के परसेंटेज जो है वो मोर देन 99। अगर इसे क्वेश्चन प्रिंट करना होगा तो वो एबनॉर्मल ट्रेंड पर करेगा, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड तो बच्चों बच्चों को याद है। तो देखो एबनॉर्मल ट्रेंड्स कौन से हैं, एबनॉर्मल ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। तो पीरियोडिक टेबल में देखो जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मेंस वगैरह तो आ ही चुका होगा, तो एल्यूमिनियम और गैलियम। अगर एल्यूमिनियम गैलियम की बात करें तो हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमारा जनरल परसेप्शन क्या है कि एटॉमिक साइज यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ पे एटॉमिक साइज बहुत ही स्मॉल अमाउंट से हो जाता है डिक्रीज। जब भी पीरियोडिक टेबल में किसी डायरेक्शन में एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे सर शील्डिंग इफेक्ट जो है इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और इफेक्टिव चार्ज की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे व्हाई ऑन गोइंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम एटॉमिक साइज डिक्रीज, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम। सेकंड एक्सेप्शनल केस जिसमें पीरियोडिक टेबल पर क्वेश्चन आते हैं वो है डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि पहले कुछ एलिमेंट्स तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, पहले कुछ एलिमेंट्स तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, बाद में एटॉमिक साइज कुछ एलिमेंट्स तक नियरली सेम रहती है, उसके बाद में लास्ट दो तीन एलिमेंट्स के अंदर देखा जाता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। तो अगर कोई कहे कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर है और जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है। अगर कोई कहे कि एटॉमिक साइज नियरली सेम है, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और अगर कोई कहे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर है। प्लीज ये रीजनिंग याद रख लेना, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पेपर के अंदर आते हैं। फिर उसी तरीके से डी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें कि हमारे पास में ये वाला जो है ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है और ये हमारे पास में सिक्स पीरियड है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम जिरकोनियम से होपनियम जाते हैं या नियोबियम से टेंटलम जाते हैं या मोलिब्डेनम से टंगस्टन जाते हैं या टेक्नीशियम से इरिडियम जाते हैं सो ऑन, अगर हम आगे बढ़ते रहे जैसे सिल्वर और गोल्ड तक भी जाएं, जब हम सिल्वर से गोल्ड जाएं, जब हम पैलेडियम से प्लेटिनम जाएं, जब हम कैडमियम से मर्करी की तरफ जाएं, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जो एटॉमिक साइज है वो नियरली सेम रहती है। तो एटॉमिक साइज नियरली सेम क्यों रहती है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, शील्डिंग इफेक्ट जो पुअर है ठीक है क्यों है, क्योंकि जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो गया, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होने से साइज डिक्रीज हो रही है। ये साइज के डिक्रीमेंट का जो एबनॉर्मल ट्रेंड है वो लेंथेनम 57 के बाद ऑब्जर्व हुआ, इसका नाम क्या रख दिया गया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। आप सभी स्टूडेंट्स ने पिछले दो सालों में लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन नाम बहुत बार सुना होगा, इसको पढ़ा भी होगा, तो प्लीज जेई मेन के लिए भी इसको याद रखे जाएं। जेई मेन के अंदर ये क्वेश्चन आपके 2020 के अंदर भी आया था कि सिल्वर का एटॉमिक साइज नियरली किसके कंपेरेबल है ना, सिल्वर और गोल्ड का साइज नियरली कंपेरेबल है। ओके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एब्नॉर्मल ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज के बाद में वेरिएशन ऑफ आयनिक साइज। तो देखो मेरे पास में एक न्यूट्रल एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के बराबर है, मैंने एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, उसका एनायनिक फॉर्म बन गया। तो देखो होगा क्या, अगर मैं किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो क्या प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, दैट मींस उसके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा।
अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाने लगेगा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाने लगेगा तो न्यूक्लियस का अपने उसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो जब भी कोई न्यूट्रल एटम में हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो उससे वो क्या रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और जेड इफेक्टिव यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए साइज यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज। फिर अगर मैं न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दू, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, तो उससे क्या होगा, क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर या न्यूक्लियर चार्ज चेंज होगा? जी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो क्या होने वाला है, जी इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो उससे शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट उससे कम हो जाएगा तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा तो कैटायनिक फॉर्म बनने के कारण, कैटायनिक फॉर्म बनते हुए जो साइज है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिक्रीज। तो साइज का जनरली ऑर्डर क्या बनता है कि एक एलिमेंट का जो कैटायन होगा उसका साइज छोटा होगा, एक एलिमेंट का खुद का साइज बड़ा होगा, और उससे बड़ा क्या होगा उसका एनायनिक। कुछ बेसिक बेसिक एग्जांपल, H+ आयन से बड़ा कौन सा होता है, हाइड्रोजन एटम, और उससे बड़ा क्या होता है, H- आयन। Iron+2 का साइज Iron+3 से बड़ा होता है, Sn+2 का साइज Sn+4 से बड़ा होता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। ओके, आगे वेरिएशन ऑफ साइज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बच्चा पहला ये बात आती है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब क्या है? तो वो आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वो स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इसमें कंसेप्ट क्या आता है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज जो है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो साइज हमेशा दो ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, कौन सा होता है हमारे पास में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। बट इसके अंदर में एक ट्रिक निकाल सकते हैं, वो ट्रिक हमारे पास में क्या है, डेट साइज ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P रेशियो। अब जाहिर सी बात है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो E तो सेम ही होने वाला है, तो बस हमें P चेक करना है, P मतलब न्यूक्लियर चार्ज। तो बच्चा देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो मैंने बनाई है यहाँ पर, उसमें पी का वैल्यू कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में पी का वैल्यू कितना आएगा, हाइड्रोजन के लिए कितना है 1, हीलियम के लिए कितना है 2, इसके लिए कितना है 3, इसके लिए कितना है 4। तो जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। बच्चा साइज क्या हो रहा है, साइज होएगा डिक्रीज। फिर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करते हैं, N-3, O-2, F- Na+, Ng+2 और Al+। इनके प्रोटॉन नंबर लिख रहे थे, नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर कितना है 7, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8, 9, सोडियम के लिए कितना है 11, मैग्नीशियम के लिए कितना है 12, एल्यूमिनियम के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास -3 से Al+3 के जाने पर जो प्रोटॉन का नंबर है वो इंक्रीज हुआ। अगर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो यहां पर साइज क्या होने वाली है, डिक्रीज। तो इस डायरेक्शन में जाने पे फिर से वही कंसेप्ट लगेगा, साइज डिक्रीजेस। ओके, फिर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या आता है, P-3, S-2, Cl-K+, Ca+2 और Scandium+3। फिर से इनके प्रोटॉन नंबर हम लिख लेते हैं, प्रोटॉन नंबर कितना है 15, 16, 17, 19, 20, 21। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर P-3 से Scandium+3 जाएंगे तो क्या होगा, जी प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन नंबर बढ़ने से साइज क्या हो जाएगी, साइज हो जाएगी डिक्रीज। तो ये हमारे पास में हो गया वेरिएशन ऑफ साइज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। नेक्स्ट जो आपके आसपास में जेई प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया है, द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ N-3, O-2 और F-, इनके आयनिक रेडियाई का हमें ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आप नोट करो, N-3, O-2 और F- आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पर साइज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। तो सबसे बड़ा साइज N-3, उससे छोटा O-2 और उससे छोटा F-, तो आप वैल्यूज का डिक्रीजिंग ऑर्डर ढूंढ लो। तो देखो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें 1.36 के बाद 1.4 और 1.71, ये तो उल्टा ऑर्डर दिया है, गलत। 1.71, 1.40, 1.36 यही ऑर्डर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो 1.36 पहले आ गया। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या बनता है, ऑप्शन सी, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जैसे जैसे हमारे पास में प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एक और क्वेश्चन 2019 में जो आया था, साइज ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Cl- आर्गन एंड Ca+2 इज अफेक्टेड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है
उनमें साइज कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? फर्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, नो डाउट सेम ही होगा, सी एल माइनस आर्गन सी ए प्लस टू के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी शेल नंबर, जो प्रिंसिपल जो आउटमोस्ट शेल होगा वैलेंस शेल होगा उसका सेम आएगा, एजिमिथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, अरे भाई वो भी सेम होगा यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है क्योंकि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन दी आउटर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन दी आउटर ऑर्बिटल, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ये सबको सेम आएगा, तो इनका साइज कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज, हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज, तो आई थिंक इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो पहला वाला सेट है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट है, तो आई थिंक ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर जेई मेन में। नेक्स्ट, जो 2020 में क्वेश्चन आया था आप लोगों ने दिया था, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज क्लोजेस्ट टू, सिल्वर की एटॉमिक रेडियस किसके क्लोजेस्ट होगी? अभी हमने पढ़ा था ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन वो गोल्ड के क्लोजेस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज, एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम है, और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज हम जनरली क्या मानते हैं? इंक्रीज, इनमें कोई एक्सेप्शनल ट्रेंड नहीं है, तो ब्रोमीन का साइज सबसे ज्यादा होगा, तो जो हमारे पास में इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा उसमें ई सबसे एंड में आएगा, तो ई हर केस में सबसे एंड में आ रहा है, ई के जो जस्ट पहले आएगा वो आएगा डी, तो ई के पहले डी यहां पर आ रहा है और ई के पहले डी यहां पर आ रहा है, तो इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं। कार्बन, क्योंकि देखो इसके ऑप्शन टू और ऑप्शन वन में डिफरेंस ये सी और ए का है, इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप यहां देखें कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका साइज छोटा होता है? फ्लोरीन का, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यहां पर सी बी ए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ आयनेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, तो देखो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी किस तरीके से वेरी करेगी उसका डिस्कशन करते हैं, तो जो आयनेशन एनर्जी है बच्चों उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन का निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको देखो एक ट्रिक बताता हूं, उससे हम पूरा ऑर्डर निकाल सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट जर्नी के क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो सेकंड पीरियड के अंदर और थर्ड पीरियड के अंदर ही मिलेगा, सेकंड पीरियड के अंदर फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी और वैसे ही थर्ड पीरियड में फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी का मिलेगा। तो देखो अगर पीरियोडिक टेबल में हम सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको चेक क्या करना है, सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों की बात कर रहा हूं, आपको चेक क्या करना है, अगर किसी मेंबर का, अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है तो उसके कारण उसका आयनेशन एनर्जी अपने जस्ट हायर नेबर से ज्यादा हो जाएगा। जैसे लिथियम बेरिलियम बोरोन में देखिए तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 2s2 कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुली फिल एस सब शेल, जिसको मैंने FFS करके लिखा है, यहां पर मैंने क्या लिखा है उसको FFS, तो वो फुली फिल एस सब शेल है। वैसे ही अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल है, अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है तो उसका आयनेशन एनर्जी अपने जस्ट एक हायर नेबर से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर मैं फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का यहाँ पर ऑर्डर लिखूं तो देखो ऑर्डर कैसे लिखूंगा, इसमें लिथियम से बेरिलियम और बेरिलियम से बोरोन जाने पर आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड पहले चेक कर, सबसे कम आयनेशन एनर्जी लिथियम की होगी, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम और बेरिलियम और बोरोन में कंपैरिजन करें तो बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी बोरोन से भी ज्यादा है, तो लिथियम के बाद कौन आएगा? बोरोन, बोरोन के बाद कौन आएगा? बेरिलियम। तो एक्सेप्शनल ट्रेंड हमें मिलेगा वो जस्ट एक हायर नेबर के साथ मिलेगा, यूनिका पूरे के साथ एक्सेप्शन कर लो, ऐसा हमें नहीं करना। ओके, फिर हमारा से बोरोन तक कवर हो गया, बोरोन के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे? कार्बन आ जाएगा। अब कार्बन के बाद में नाइट्रोजन लिखूं या ऑक्सीजन, तो हमें बताया कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है, तो पहले यहाँ पर कौन आएगा? ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आएगा? फ्लोरीन, उसके बाद क्या आएगा? नियॉन। मैंने बच्चों कंसेप्ट क्या लगाया, अगर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है तो उसका आयनेशन एनर्जी अपने जस्ट एक हाई नेबर से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये आप सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में लगा सकते हैं और फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी दोनों में लगा सकते हैं। तो देखो अब मैं सेकंड आयनेशन एनर्जी की बात करता हूं, तो मैंने क्या करा, इन एलिमेंट्स के आयंस बना दिए, बेरिलियम प्लस वन, बोरोन प्लस वन, कार्बन प्लस वन, सबके मैंने आयंस बना दिए। तो अगर आयंस बनाए तो आप चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास में ये बेरिलियम प्लस वन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, और
जो ओ प्लस है उसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। तो अब हमारा इसमें सेकेंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, जी सबसे कम तो बेरिलियम का होगा, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का आना चाहिए कि कार्बन का, पहले कार्बन का लिखेंगे, उसके बाद बोरॉन का लिखेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन का लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन पहले लिखूं कि इसमें फ्लोरीन लिखूं, अब यहां पर आएगा मेरे पास में पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में क्या आएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा इसके अंदर नियॉन आएगा। ओके, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? यहाँ पर ऑर्डर क्या बन जाएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में क्या बन जाएगा कार्बन, कार्बन के बाद में बोरॉन, बोरॉन के बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नियॉन। ये हमने फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाला। अगर इसी को यूज करते रहे आप थर्ड पीरियड में फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालते तो क्या बनता, तो देखो ऑर्डर उसका ही आता। सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एनर्जी इन थर्ड पीरियड इज सोडियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन सल्फर फॉस्फोरस क्लोरीन एंड आर्गन। कहां पर इसमें ऑर्डर ट्रेंड, जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, वो यहां पर चेंज हुआ और यहां पर चेंज। ओके, तो बच्चों प्लीज आप इन ऑर्डर्स को अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, ये जे मेन में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक का आयनेशन एनर्जी का टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है? अगर वो क्लियर हो चुका है तो चलो अब हम आगे वाले नेक्स्ट वाले टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा हो जाएगा, तो हमारे पास में है क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी वन फॉर कैल्शियम बेरियम सल्फर सेलेनियम एंड आर्गन। तो देखो कैसे करेंगे इसके अंदर, अगर आप ढंग से नोट करें कि कैल्शियम और बेरियम तो मेटल्स होते हैं तो इनका आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो कैल्शियम और बेरियम में किसका साइज बड़ा होता है बच्चों, बेरियम का, तो बेरियम का आयनेशन एनर्जी क्या होगा, कैल्शियम से कम होगा। अगर आप ढंग से देखें इसमें एक ही ऑर्डर है, कौन सा, बी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एनर्जी, तो किसका होगा, अगर किसी एलिमेंट में से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और वो पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, तो जो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा उसके फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी में सबसे बड़ा गैप होगा। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है, 3d1 4s2, तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद में कोई हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो रही। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद में कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर स्टेबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा, ऐसा कोई चेंज ही हो रहा है, ओवरऑल तो इसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। बेरियम में सेम होगा हमारे पास में, NH2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्योंकि कैल्शियम का ही ग्रुप के अंदर है। पर जो पोटेशियम है, पोटेशियम में क्या होता है, N-1p6 NS1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर मैं पोटेशियम में NS1 मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। अब उस केस में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना हो जाएगा डिफिकल्ट, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके में होगा, पोटेशियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपेरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज, बेरिलियम में क्या है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, क्या बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी बोरॉन से कम होता है, ये कह रहा है लेसर आयनेशन एनर्जी एंथैल्पी, तो गलत स्टेटमेंट है। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। देखो अगर आप बेरिलियम और बोरॉन में कंपैरिजन करें तो बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज नो डाउट बेरिलियम से ज्यादा है, बट बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर क्या होगा, बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज तो कम होगा पर आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी किसके लिए मिनिमम होगी, तो आपको करना क्या है, सबके प्लस टू स्टेट पे चला जाना है और प्लस टू से प्लस थ्री में कन्वर्जन करना है। जैसे पहले कोबाल्ट प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d7 4s0, और कोबाल्ट प्लस थ्री का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d6 4s0। निकल के लिए निकाले इसके अंदर तो Ni+2 हो जाएगा 3d8 4s0, और निकल का अगर आप प्लस थ्री स्टेट करें तो वो हो जाएगा बच्चों 3d7 4s0। अगर आप Mn मैग्नीज के प्लस टू स्टेट पे जाएं तो वो हमारे पास हो जाएगा 3d5 4s0, और अगर हम Mn का प्लस थ्री स्टेट करें तो वो हो जाएगा 3d4 4s0।
अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन जो है अगर प्लस टू स्टेट में है तो वो हो जाएगा 3d6, और अगर आयरन प्लस थ्री में है तो वो हो जाएगा 3d5। तो ढंग से बताना क्वेश्चन, देखो क्या पूछा गया है, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, तो बताओ वो कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग प्लस टू से प्लस थ्री में जाना पसंद करेगा, जिसमें थर्ड आयनेशन एनर्जी मिनिमम होगी। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन फोर बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। ये क्वेश्चन अभी हमने बेरिलियम बोरोन के लिए पढ़ा था, 2019 में क्वेश्चन आया था, 2020 में जो जनवरी में आपने पेपर दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास में, बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन्स। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, 2p का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इस कंपैरिजन टू 2s। सेकंड स्टेटमेंट, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन। देखो अगर बोरोन में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो अगर ये मोर शील्डिंग की बात कर रहा है, और याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, पर ज्यादा कौन बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन द 2p इलेक्ट्रॉन। देखो पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है, ये आयनेशन की बात कर रहा है। अगर 2s का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है तो हम कहेंगे 2s के पेनिट्रेशन, जो पेनिट्रेशन पावर है वो 2p इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन इज मोर देन बेरिलियम, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चा भी आंसर दे देगा जी बेरिलियम से बोरोन जाने पे साइज तो डिक्रीज होती है, ठीक है, जबकि अगर बोरोन का साइज बड़ा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऑप्शन। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी होती है वो क्या है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है, बस 9 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव नहीं होता है। और बच्चों वो 9 एलिमेंट कौन से हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, कौन से 6, तो नोबल गैसेस हो गए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडियन। क्यों, क्योंकि बेचारा का बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। और 3 और एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। इसी के कारण अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर चेक करूं 15 ग्रुप के अंदर, तो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा फास्फोरस का आएगा, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ, और सबसे कम नाइट्रोजन का आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये रहा ऑर्डर। देखो फिर अगर मैं 16 ग्रुप में चेक करूं तो सबसे ज्यादा सल्फर, देन सेलेरियम, देन टेलूरियम, देन पोलोरियम, देन ऑक्सीजन। अब बात ये आती है कि सर ऊपर तो आपने कह दिया 9 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होता है, तो मैंने 15 ग्रुप का जो ऑर्डर है वो तो याद रख लिया सर, कैसे, किसी नाइट्रोजन का सर वैल्यू नेगेटिव होगा, बाकी सबका कैसा होगा, पॉजिटिव। तो बाकी सबका जो पॉजिटिव वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज, और नाइट्रोजन की वैल्यू में नेगेटिव, नो डाउट नाइट्रोजन सबसे पीछे आएगा। बट सही ऑक्सीजन कैसे आ गया, बड़ा सिंपल सा खेल है, यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का लग रहा है। व्हाट मीनिंग ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से सल्फर एटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनके कारण जो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होगी वो क्या हो जाएगी, कम। तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन, आने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा रिपेल करता है इस कंपैरिजन टू सल्फर, इवन वो सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम से भी थोड़ा सा ज्यादा रिपेल करता है, इसलिए ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम से कम। सेम कंसेप्ट लगता है फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में, कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन से कम क्यों है, जबकि फ्लोरीन तो पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका कारण यह है कि फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा होने के कारण फ्लोरीन का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्लोरीन से थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होने के कारण फ्लोरीन क्या करेगा, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपेल करेगा, उस रिपल्शन के कारण फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा बच्चों वो क्लोरीन से थोड़ा सा कम होगा, ब्रोमीन आयोडीन से कम नहीं होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है ईए वैल्यूज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एटम्स विद नेगेटिव चार्ज, ऐसा क्यों यार, किसी एटम के सरफेस पे पहले से ही अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करना तो बहुत गलत हो जाएगा, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, वैसे इम्पॉसिबल तो नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा यार, जिसके सरफेस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है उसमें एक और नेगेटिव चार्ज एंटर करना डिफिकल्ट तो है,
सभी नेगेटिव एटम्स, सभी नेगेटिव चार्ज एटम्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है? नेगेटिव। एक क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द गिवन स्पीसीज। कैसे निकालेंगे? बोरॉन, क्या बोरॉन उन नौ एलिमेंट्स के अंदर आ रहा था? नहीं आ रहा था। तो बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन कैसा हो जाएगा बच्चों? इसके लिए जैसे साइन होगा सर पॉजिटिव होगा। कार्बन के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उन नौ एलिमेंट्स में आ रहा था तो नाइट्रोजन के लिए कैसा होगा? नेगेटिव। ऑक्सीजन के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव। ओ माइनस के लिए कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज एटम है, कैसा होगा? नेगेटिव। नाइट्रोजन माइनस वन के लिए कैसा होगा? नेगेटिव। बहुत बम्पर नेगेटिव होगा क्योंकि नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम के लिए भी नेगेटिव था। आर्गन के लिए नोबल गैस है, कैसा होगा? नेगेटिव। पोटेशियम मेटल है, तब भी याद रखना इसका इलेक्ट्रॉनिटी पॉजिटिव है क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि केवल नौ एलिमेंट्स ऐसे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है। कौन से नौ एलिमेंट्स? छह तो नोबल गैसेस और हमारे पास में बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। फिर आयरन प्लस टू, यार पॉजिटिव चार्ज एटम है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सरफेस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो सकती है। वो दूसरे फैक्टर्स और है, मैं केवल एक ही फैक्टर का डिसीजन कर रहा हूँ, वो कौन सा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम भी होता है, याद रखना। सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मैग्नीशियम का कैसा होगा वो सोच के बताओ। मैग्नीशियम का होगा नेगेटिव क्योंकि सर यू नो एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है। कौन से नो एक्सेप्शन है? तो नोबल गैसेस और बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में जो आए थे 2020 में, विद इन ईच पेयर ऑफ द एलिमेंट्स कौन कौन से पेयर है? फ्लोरीन क्लोरीन, सल्फर सेलेनियम, लिथियम सोडियम रिस्पेक्टिवली, द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन। तो देखो, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन का, तो क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो देखो, ये पहले जो दो ऑप्शन है उनमें फ्लोरीन फ्लोरीन माना तो ऑप्शन तो कट गया। फिर ऑप्शन या तो सी और थर्ड या फोर्थ में से कोई करेक्ट है। फिर सल्फर और सेलेनियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? अभी हमने ऑर्डर डिस्कस करा, सर जी सल्फर का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, सल्फर और लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रिस्पेक्टिवली आर। तो ऑर्डर कैसे निकालें? अरे कुछ नहीं है, जो भी नेगेटिव वैल्यू दी है ना उनको पॉजिटिव कर दो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लिखते हैं वो प्रैक्टिकली है क्या मेरे पास में? एवोगैड्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई है। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पर एटम लिख रहे हैं तो इस तरीके से हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, या अगर ये डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। बच्चों में कुछ नहीं करा, बस मैं इन सभी वैल्यूज को पॉजिटिव कर रहा हूं। अगर इन सभी वैल्यूज को मैं पॉजिटिव फॉर्म में लिखता हूं बच्चों, तो ये सब क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन जाता है तो अब मुझे करना क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो ऑर्डर निकालना है। फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का। तो इसमें देखो क्या होगा, फ्लोरीन का वैल्यू कम होगा, क्लोरीन का वैल्यू ज्यादा होगा, बट फ्लोरीन का वैल्यू जो है ब्रोमीन से ज्यादा होगा। तो इसमें जो वैल्यू के हिसाब से हमें ऑर्डर मिल रहा है, तो जो हमें ऑर्डर मिल रहा है वो ऑर्डर कौन सा है? फोर्थ। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, अब केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन बनाता है बच्चों, तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर जेई मेन वगैरह की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर होते हैं वो फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड्स, फिर ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसमें बॉन्ड ऑर्डर मैटिन नेचर पूछा आता है, और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिटेल वगैरह में आप सबको पता है। तो मैं सीधे इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर ही डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये वेबिनार है, वेबिनार को थोड़ा कंसाइज मैनर में रखते हैं। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर मुझे हाइब्रिड स्टेट ऑफ एक एटम का निकालना है तो मुझे एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी। उसका बहुत सारे तरीके हैं, पर एक तरीका यहाँ पर मैंने लिखा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑफ द एटम प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लाइक हाइड्रोजन एटम, मिथाइल ग्रुप,
fluorine, chlorine, bromine, iodine, OH, NH2, even ammonia bhi, as a single bonded group, the number of single bonded group or univalent group attached to that atom plus minus charge divided by 2. तो देखो चार्ज को प्लस कब करेंगे, जब हम एनायन क्रिएट कर रहे हैं. क्या क्रिएट कर रहे हैं? एनायन. और चार्ज को माइनस के फॉर्म में कब लिखेंगे, जब हम क्रिएट कर रहे हैं कैटायन, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है और जितने और इसमें और ग्रुप जुड़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है तो एनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और कैटायन बनने पर इलेक्ट्रॉन हटेंगे तब हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे. ठीक है, शायद मेरी बात आपको क्लियर है. तो अब ये क्वेश्चन आपके पास में आता है. क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज. इन गिवन मॉलिक्यूल स्पीसीज में आपको हाइब्रिड स्टेट पता करना है. कैसे पता करेंगे, तो देखो मेरे पास में इसमें जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिड स्टेट निकालना है. सेंट्रल एटम मेरे पास में यहाँ पर क्या बच जाता है, सल्फर. हाइब्रिड स्टेट कैसे निकालूंगा, एन वैल्यू. सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट कितने होते हैं, 6. नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड ग्रुप कितने नजर आ रहे हैं जी, हम तो ऑक्सीजन को बाइवेलेंट मानते हैं तो कैसा हो जाएगा, 0. चार्ज कितना है, -2, तो क्या करूंगा, +2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आएगी, 4. तो बच्चा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसके अंदर, sp3. ये sp3 हाइब्रिडेशन है. ओके, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर निकालो सल्फर के अंदर कितने, तो देखो नीचे मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू जो n वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स एसोसिएटेड विद द एटम्स. सल्फर के n की वैल्यू कितनी है, 4, और कितने ग्रुप इससे जुड़े हैं, 4 ही ग्रुप जुड़े हैं. कौन, ऑक्सीजन ग्रुप है, तो 4 ग्रुप जुड़े. तो 4 में से 4 माइनस करा, आंसर कितना आएगा, 0. तो इसके अंदर यहां पर क्या है, नो लोन पेयर ओवर सल्फर एटम. सल्फर एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है. हाइब्रिडेशन इसका हाइब्रिडेशन sp3 है. क्या शेप हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल. पता लग रहा है आपको. अब आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ज़ीनन का हेक्साफ्लोराइड है तो क्या करेंगे, एन का वैल्यू. ज़ीनन नोबल गैस है तो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हो जाएंगे, 8. फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है, 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा, 7. अगर 7 है तो बच्चों हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा. क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3d3. अब आप ये चेक करो, इसके एन की वैल्यू है 7 और नंबर ऑफ ग्रुप कितने जुड़े हैं, 6. तो क्या इसके सरफेस में एक लोन पेयर होगा, जी सर पक्का लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर आएगा. ठीक है, अगर एक लोन पेयर आएगा तो अब इसके शेप को क्या बोलेंगे, sp3d3 हाइब्रिडेशन में अगर सेंट्रल एटम के सरफेस पे एक लोन पेयर आ जाए तो उसके शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड DIST, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. और आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है इसको कैप ऑक्टाहेड्रॉन भी कहते हैं. फिर XeO2F2 इसका पता करते हैं. तो इसमें देखो यहाँ पर मैं एन की वैल्यू निकालता हूँ ज़ीनन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8. सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है, ढंग से बताना, ऑक्सीजन इसमें बाइवेलेंट ग्रुप है, सिंगल बॉन्डेड ग्रुप कौन सा हो जाएगा मेरे पास में, केवल फ्लोरीन. तो 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 5. बच्चों जिसका हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, sp3d. क्या बन जाएगा इसके अंदर, sp3d इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा. अब इसके n की वैल्यू कितनी है, 5, और ग्रुप कितने जुड़े हैं, 4. तो लोन पेयर कितना होगा, 1. तो सर इसके सरफेस पे एक लोन पेयर होगा, बड़ा आसान है इसे लोन पेयर भी निकालना. नंबर ऑफ लोन पेयर के भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं इसलिए पूरा पूरा आपसे डिस्कस कर रहा हूं. XeOF4 इसका पता करते हैं. देखो XeOF4 ज़ीनन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड ग्रुप 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा, 6. मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d2. n का वैल्यू है 6 पर नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 5. तो कितना लोन पेयर आएगा सरफेस पे, जी सर एक लोन पेयर तो आएगा. फिर IO6-5 इसका पता करते हैं. IO6-5 में आयोडीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7. सिंगल बॉन्डेड ग्रुप 0 क्योंकि सभी ऑक्सीजन है, और -5 है तो +5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा इसके अंदर, 6. हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d2. क्या इसके n की वैल्यू नंबर ऑफ ग्रुप से मैच कर रही है, बिल्कुल, कोई लोन पेयर इसके अंदर नहीं है, ये एक परफेक्ट ऑक्टाइडल शेप है. ओके, ICl4- आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सिंगल बॉन्डेड ग्रुप 4, -1 चार्ज है तो +1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा, 6. हाइब्रिडेशन क्या लिखेंगे बच्चों इसके अंदर, sp3d2 सर हाइब्रिडेशन लिखेंगे. अब इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रुप कितने लिखे हैं, 4, पर n का वैल्यू कितना है, 6.
तो सर इसके बाद दो लोन पेयर हैं। sp3d2 हाइब्रिडेशन में अगर दो लोन पेयर हो तो शेप क्या होता है इसके अंदर, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका शेप है स्क्वायर प्लेनर। आई थिंक आपको इस तरीके से हाइब्रिडेशन पता लगाना, लोन पेयर पता लगाना और शेप पता लगाना आ गया होगा। अब इसके आगे, इसी क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या कि अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूं तो और भी आसान हो जाता है। तो स्ट्रक्चर देने में हम देखो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार। इफ स्ट्रक्चर इज गिवन और नोन देन यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ओवर इट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो इसके हिसाब से इन क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। जैसे इस बोरोन एटम का पता करते हैं, हमारे पास में एक जो बोरोन एटम है वो ये वाला आ गया, दूसरे बोरोन एटम के कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक, तो पहले देखो इस वाले बोरोन एटम का पता करते हैं। इस बोरोन एटम के एन की वैल्यू मुझे निकालनी है बच्चों, तो एन कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट देखो मैं स्ट्रक्चर देख के भी निकाल सकता हूं। इस बोरोन ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए, बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, चार सिग्मा बॉन्ड बनाए। उसके बाद में कोई भी लोन पेयर इसके ऊपर असाइन कर रखा है, नहीं असाइन कर रखा है, तो एन का वैल्यू कितना आ रहा है, चार। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3 हो जाएगा। फिर इस बोरोन का पता करो बच्चों, इस बोरोन का एन का वैल्यू कितना आएगा। ये जो बोरोन है यहां पर मैं उस डायग्राम में इनकम्प्लीट था क्योंकि यहां पे दो OH ग्रुप भी तो होंगे, ओके यहां OH ग्रुप भी होंगे, क्या गलती कर देते हैं सर जी आप। तो देखो ये जो मेरे पास में बोरोन है, इस बोरोन ने कितने ग्रुप, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तीन। कोई लोन पेयर वगैरह इसके पास है, नहीं, तो एन का वैल्यू थी, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसके अंदर, वही तीन सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन का भी क्या आएगा sp2। फिर इस वाले बोरोन का क्या होगा, ये वाला बोरोन चार बॉन्ड बना रहा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। ये जेई का क्वेश्चन है, तुम्हें पता है जेई में पूछा गया था, ये आपके पास में ये बोरेक्स का है वो एनायनिक फॉर्म है, उसे पूछा गया था बोरोन का हाइब्रिड स्टेट क्या होता है, तो sp3 भी होता है और sp2 भी होता है। ये एट्थ वाला पार्ट, इसमें देखो ये जो बोरोन है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी बॉन्ड सिग्मा है, ये भी बॉन्ड सिग्मा है, ये भी बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। फिर इस नाइट्रोजन का पता करते हैं, नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जी चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। sp3 हाइब्रिडेशन है, अब सरफेस के ऊपर कोई लोन पेयर वगैरह है नहीं, तो दोनों की क्या है हमारे पास में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या शेप। फिर ये सल्फर की बात करते हैं, नाइन्थ एग्जाम्पल में ये जो सल्फर है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन चार, क्या हाइब्रिडेशन है sp3। सभी सल्फर आइटम का देखो हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। इस क्लोरीन का पता करते हैं, क्लोरीन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा sp3। तो दोनों तरीके आपके पास में, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है तो जो आपको मैंने पहले तरीका समझाया उससे आप निकालना इसका, ठीक है, हाइब्रिड स्टेट निकालना, और अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दे दे या आपको स्ट्रक्चर पता हो तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड। ऐसे भी क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आ चुके हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के नंबर जो है आपसे पूछे गए। तो देखो एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का, कोई मॉलिक्यूल आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके बताओ, और दूसरा आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड्स। ये जो क्वेश्चन है ये जनरली अभी दो ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, वो कहां पे, एक तो सल्फर सल्फर बॉन्ड का क्वेश्चन आता है और एक हमारा इसमें आता है पीपी बॉन्ड का क्वेश्चन आता है, तो वो तो हम याद रख सकते हैं, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, इसका ऑर्डर कैसे निकालें, अगर मैं SO3 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होता है, द नंबर ऑफ बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट ग्रुप बॉन्डेड, जितने भी बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट ग्रुप बॉन्डेड है, माइनस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ओवर द मॉलिक्यूल। जैसे देखो इसमें ये जो सल्फर है इससे नंबर ऑफ बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट ग्रुप कितने बॉन्डेड है, ऑक्सीजन तो बाइवेलेंट होता है तो कितने ग्रुप बॉन्डेड है, तीन। अब क्या इस मॉलिक्यूल के सरफेस पे कोई चार्ज है, नहीं चार्ज है, कोई भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करते, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर 3π बॉन्ड्स आ रहा है समझ में, भाड़ में गया स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना, ट्रिक से भी आंसर आता है। XeO4 में देखो ये जो जीनन है ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन कैसा होता है बाइवेलेंट, कितने बाइवेलेंट ग्रुप है इसके अंदर, चार। क्या कोई सरफेस में मॉलिक्यूल के सरफेस पर कोई चार्ज है, नहीं, तो 4π बॉन्ड आया मजा, 4π बॉन्ड। PO4-3 अब देखो ढंग से करेंगे, PO4-3 में देखो नंबर ऑफ
डबल बॉन्डेड ग्रुप कितने हैं? चार। इस फॉस्फोरस से चार ऑक्सीजन जुड़े हैं। ऐसे हमने मान लिया बाइवेलेंट है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर तो नहीं दे रखा, तो बाइवेलेंट ग्रुप है। और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? तीन। तो -3, आंसर कितना आएगा? एक। एक पाई बॉन्ड होता है, आप सबको पता होगा फॉस्फेट का स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड होता है। एमिनो 4 -1, चार आपको बाइवेलेंट ग्रुप नजर आ रहे हैं, -1 कर देंगे, तीन पाई बॉन्ड आएगा। क्रोमेट 4 -2, दो पाई बॉन्ड आएंगे। SNF3 में मुझे करके बताओ, देखो SNF3 में क्या करेगी? इसमें सेंट्रल एटम बच्चों सल्फर है। कौन है? सल्फर, क्योंकि सल्फर का वैलेंसी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। जिसका वैलेंसी ज्यादा होता है जनरली वही एटम को हम सेंट्रल एटम मानते हैं। याद रखो मैं जनरली बोल रहा हूँ, यू नहीं कि तुम सीधे एक्सेप्शन जो है टाइप कर दो कमेंट के अंदर, सर देखो ये भी तो होता है। तो मैं उन सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ जनरली जनरली जनरल। अब देखो SNF3 में जो सल्फर है, ये कितने बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट ग्रुप से जुड़ा है? कितने बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट ग्रुप से जुड़ा है? इसके अंदर एक से जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। तो कितने पाई बॉन्ड बनाएगा? क्या एक पाई बॉन्ड बनाएगा? तो चलो मैं एक पाई बॉन्ड बना लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सल्फर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये बट अभी एक प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम यहां पर क्या है, ये नाइट्रोजन जो मैंने ट्राइवेलेंट लिखा है, इस साले का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। अब सल्फर अपना एक्सपेंशन ऑक्टेट कर सकता है। तो जब भी आप इस रूल को यूज करें और आपको लगे अभी हमारे पास में एटम का जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है, तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, उसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए उसको एक और पाई बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे? यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। कितने पाई बॉन्ड आ जाएंगे? यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के बाद में अब हमारा इसमें टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ईई बॉन्ड्स। एलिमेंट एलिमेंट जो बॉन्ड्स है वो हमें कैलकुलेट करने। तो देखो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये जनरली आते हैं नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स इन ऑक्सो एनायंस ऑफ द सल्फर। किसके ऊपर आते हैं? नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स इन ऑक्सो एनायंस ऑफ द सल्फर। तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो एक बात आप याद रखना कि जो H2O3-2, ठीक है, और कौन कौन से हमारे पास में H2O4-2, H2O5-2, H2O6-2, ये जो है इन सब में अगर हम निकाले तो इंडिविजुअली वन SS लिंकेज होता है, और ये जो हमारे पास में SNO6-2 जिसको पॉलीथियोनेट आयन बोलते हैं या पॉलीथियोनेट स्पीसीज बोलते हैं, इनमें जो N की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है। इनमें नंबर ऑफ SS लिंकेज होते हैं N-1, जो भी आप N की वैल्यू रखेंगे तो N-1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ SS लिंकेज। फॉस्फोरस जो है उसका एक ऑक्सो एसिड है, उस केवल एक ही ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसके अंदर पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो कौन सा है? H4P2O6। देखो यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है जिसके अंदर एक पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है, पीपी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर देखो जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में उसके मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं। वो एग्जाम्पल क्या हमारे पास में कि फर्स्ट मैंने लिया है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, दूसरा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो आपको बताया है कि ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन में, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन में जो दोनों डाइपोल मोमेंट है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन में जो दोनों डाइपोल मोमेंट है, जो वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है, उनके बीच का एंगल सबसे कम है, डेट इज ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम होगा, और सबसे कम यहाँ पर क्या होगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा। ओके, साथ में एक और क्वेश्चन, क्या इन तीनों कंपाउंड में से आप ये बता सकते हैं कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है? परमानेंट डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। तो वो ऑर्थो और मेटा वाला केस है, पैरा वाले का जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या होगा, जीरो। ये जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल में ये जो चार कंपाउंड है ये बहुत बार पेपर के अंदर आए, ठीक है, तो ऑर्डर प्लीज आप याद रख सकते हैं। मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में डाइक्लोरोमिथेन का, देन क्लोरोफॉर्म का, और सबसे कम होता है CCl4 का। ओके, फिर थर्ड एग्जांपल जो है ये तो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और ये AIEEE में, IIT मेंस के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार आया है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो आते ही आते हैं, ठीक है, IIT मेंस के अंदर। वो क्या है कि अमोनिया और NF3, जो अमोनिया और NF3 है इनमें डायपोल किसका ज्यादा होगा, तो नो डाउट अमोनिया का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है
और जो एनएच बॉन्ड्स हैं इनके डायपोल मोमेंट जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट एनएफ थ्री में क्या है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। मैंने एनएफ थ्री में ये एरोज गलत बना दिए, आप एरोज को करेक्ट कर लेना। इसमें एनएफ थ्री में ये डायपोल मोमेंट जो है वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। एक तरफ मतलब के एन से एफ की तरफ आ रहे हैं। तो एनएफ थ्री में जो डायपोल मोमेंट है उसमें एनएफ बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट है वो जो लोन पेयर के डायपोल मोमेंट को अपोज कर रहा है, इसलिए एनएफ थ्री जो है उसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो एनएच थ्री से कम होगा। फिर एक्ससीएफ सिक्स, एक्ससीएफ फोर और एक्ससीएफ टू में पता करना। एक्ससीएफ सिक्स में हमारे पास में क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और हमने पढ़ा था इसका डिस्टोर्टेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर होता है तो इसका पक्का डायपोल मोमेंट होगा। एक्ससीएफ फोर और एक्ससीएफ टू में क्या है, एक्ससीएफ फोर जो है उसका स्क्वायर प्लेन अरेंजमेंट है, ये जो दो लोन पेयर है इनका डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और ये जो चार फ्लोरीन एटम्स हैं इनका भी डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। एक्ससीएफ टू जो है लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें जो तीन लोन पेयर्स हैं इन तीन लोन पेयर्स के डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और जो ज़ीनन फ्लोरीन बॉन्ड्स हैं वो भी एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हम निकाल लेते हैं तो और क्वेश्चन क्या बनता है जो अभी मैंने बोला था, अब आपसे पूछेंगे कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एक परमानेंट डायपोल मोमेंट कैरी करेगा। तो देखो, तो ये जो मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिखे हैं एक बार आप इसमें आप ट्राई करो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको करना है कि आपको उनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप निकाल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट एज ए वेक्टर क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर आता है ये जो बी एफ थ्री है हमारे पास में, जो बी एफ थ्री है इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये एक परमानेंट डायपोल नहीं है। परमानेंट डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है, वो कंपाउंड को सिलेक्ट करना है जिनका डायपोल मोमेंट जीरो से ज्यादा हो। POCl3 जो है, POCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बॉन्डिंग वगैरह सारे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट बॉन्ड्स है, इसलिए ये परमानेंट डायपोल का एक आंसर है। HCF6 में लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। IS7, IS7 का डायपोल मोमेंट जीरो होता है क्योंकि ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमारे पास में कौन सा, पेंटागोनल बाइलेटरल। ICl4-1, ICl4-1 जो है अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें आयोडीन का तो ये sp3d2 आएगा और साथ साथ में ये जो अरेंजमेंट है वो बच्चों है स्क्वायर प्लेनर, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, डायपोल मोमेंट इसका क्या आएगा, जीरो। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं। SnCl2, देखो SnCl2 में टिन के पास में अभी भी एक लोन पेयर रहता है, लोन पेयर रह जाने के कारण जो SnCl2 है वो लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, इस तरीके का एंगुलर मॉलिक्यूल है या बेंट मॉलिक्यूल है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ZnCl2 ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसका बच्चों डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। फिर BeF2 ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है और अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। NO2 नॉन लीनियर है या कहें एंगुलर है, इस तरीके से NO2 होता है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारे पास में, ग्रेटर देन जीरो। ये डायपोल मोमेंट का हमारा क्वेश्चन हो गया कि परमानेंट डायपोल कौन सा होता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 2019 के जेई मेन के पेपर को अगर आपने सॉल्व करा होगा तो आपने देखा होगा जेई मेन के 2019 के जो क्वेश्चन आए थे ज्यादा जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेनली दो बातें पूछी जाती है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर को यूज करने के बाद में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर। तो देखो पहले आपको मैं मैग्नेटिक नेचर को याद करा देता हूँ ताकि आपका कभी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखो वो सभी मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको आ रहे हैं वो इवन नंबर में आ रहे हैं, वो सभी मॉलिक्यूल्स जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अकाउंट होगा वो सारे सारे कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट बॉस। बॉस का मतलब क्या है, B2 O2 और H2 BOS बॉस। ऑल द मॉलिक्यूल्स विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट बॉस, और जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो हमारे कैसे होंगे, पक्के पैरामैग्नेटिक होंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है, तो आप इवन और ऑड से क्वेश्चन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ये एक्सेप्शन वाली जो बात है वो आप याद रखें ना, ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा है कि आपको मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, जबकि आप जानते हो केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं होती। केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक कंसेप्ट किसी एक जगह वैलिड नहीं हुआ तो हमने बोल दिया कि इस कंसेप्ट का जो है वो एक्सेप्शन। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक नेचर को याद करने का तरीका क्या है,
कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे सारे कैसे होंगे हमारे लिए, डायमेटिक होंगे, एक्सेप्ट बॉस। बॉस का मतलब B2O2 और S। अब मॉलिक्यूलर थ्योरी में और साथ साथ में क्वेश्चन क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर का। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई टू। अगर आपको यह पता लग जाए कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बस को टू से डिवाइड करना, डिफरेंस वैल्यू निकाल देना, टू से डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है, जैसे हाफ हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, अब आगे बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं, तो उनको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक के फॉर्म में लिखा है, जैसे H2 और Li2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और Li2 मॉलिक्यूल्स के लिए जो डायग्राम होता है वो कैंडल शेप डायग्राम होता है। तो देखो बच्चों, ये कैंडल शेप डायग्राम का आखिर मतलब क्या है? तो देखो, मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ, जैसे आप मुझे कहो सर H2 मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करके बताओ, तो बच्चों आप बताओ H2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, कि दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से कंबाइन हो गए, एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर देंगे सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो H2 मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, सिग्मा 1s। अगर कोई बात करे कि सर Li2 मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन लिख के बताओ, तो एक लिथियम के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो लिथियम में कितने होंगे, छह इलेक्ट्रॉन। तो अगर दो लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब अगर मुझे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखूंगा, सिग्मा 1s2, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2। अब आप कहें सर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर हमें किस तरीके से निकालेंगे, हाइड्रोजन के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग के अंदर है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो डिवाइड बाई टू, आंसर कितना आएगा मेरे पास में, वन। टू माइनस जीरो डिवाइड बाई टू, आंसर कितना आएगा, वन। तो जो एच टू मॉलिक्यूल है, जो एच टू मॉलिक्यूल है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, वन। अब हमें बॉन्ड का पता लगाना है, तो देखो बॉन्ड कौन सा होगा, इसमें जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है डेट इज जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, तो इसके अंदर वन सिग्मा बॉन्ड है, का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, वन सिग्मा बॉन्ड के बराबर। अगर आप Li2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो कैसे निकालेंगे, इसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग फोर, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, तो फोर माइनस टू डिवाइडेड बाय टू, आंसर कितना आएगा इसका, जो इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा Li2 का वो भी कितना होगा, वन, और यहाँ पर आ जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड। आई बात समझो, अब आपसे कोई पूछे H2 और Li2 में ये डायमेटिक है पैरामेटिक, यार इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, H2 के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, Li2 के छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये इवन नंबर में है, बिल्कुल है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट हो तो कैसे होना चाहिए, वो डायमेटिक, और उसका एक्सेप्शन क्या है, बॉस B2O2 और ओके। तो कैंडल शेप हमारा डायग्राम हो गया, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है क्रिसमस ट्री शेप डायग्राम। देखो उसके अंदर क्या है कि जो कैंडल वाला डायग्राम था जिसमें सिग्मा 1s सबसे नीचे, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, वो तो आ ही रहा है। ऊपर देखो जो डायग्राम में मैंने ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट रखा है वो ऐसे रखा ताकि वो क्रिसमस ट्री एक शेप कवर कर ले। अब ये डायग्राम जो है वो कौन से स्पीसीज के लिए वैलिड है, वो वैलिड है B2, C2, N2 और Cl। किसके लिए वैलिड है, B2, C2, N2 और Cl। थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया लगाना होगा सर क्रिसमस ट्री डायग्राम किसके लिए वैलिड होगा, तो देखो क्रिसमस ट्री डायग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सी से, तो ये कार्बन के लिए वैलिड है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कार्बन के लिए वैलिड है, C2 के लिए वैलिड है, वो B2 के लिए भी वैलिड होगा और वो N2 के लिए भी वैलिड होगा। प्लीज इतना याद रख लेना, जो मॉलिक्यूलर डायग्राम C2 के लिए वैलिड है वो B2 के लिए भी करेक्ट है और वो N2 के लिए भी करेक्ट है। अब कोई अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि सर जो B2 मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास में B2 मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करके बताओ, तो देखो जो मॉलिक्यूलर डायग्राम मेरे पास में उसको यूज करते हुए मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करा। B2 मॉलिक्यूल, एक बोरोन के पास में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो बोरोन के पास में कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, सिग्मा 1s के दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s के दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s के दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के दो इलेक्ट्रॉन, अभी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन बचे, वो दो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, एक π2px में और एक π2py में। अब आप बताओ B2 मॉलिक्यूल में क्या दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आए, अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गए तो B2 मेरे पास में कैसा निकला, पैरामैग्नेटिक।
जो बी टू है वो किस तरीके का आया, पैरामेट्रिक आया। अब बी टू का मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सर इसके हो गए हमारे पास में छह। एंटी बॉन्डिंग के लिए इसके इलेक्ट्रॉन कितने सर, इसके एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो टोटल चार एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 6 - 4/2 आंसर कितना आता है 1। पर बात ये फंस जाती है कि आखिर वो बॉन्ड है कौन सा, वो सिग्मा बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड है, देखो वो किस तरीके से दिखा लें। तो देखो अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिर से फिल कर रहा हूं, अगर मैं बी टू में इलेक्ट्रॉन को फिल करूं तो ये मेरे पास में दो इलेक्ट्रॉन हो गए सिग्मा माइनस के। सिग्मा माइनस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से एक वेव फंक्शन हो गया, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी उस बॉन्ड को कौन काटेगा, सिग्मा स्टार माइनस। बाद में सिग्मा टू एस जो है ये दो इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहेंगे, पर इस बॉन्ड को कौन काट देगा, सिग्मा स्टार टू एस। फिर पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई ओवरऑल मेरे पास में एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी के जो है दो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी के दो पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, दैट मीन्स बी टू के अंदर क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। बी टू के अंदर क्या बनेगा हमारे पास में, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो बी टू मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, और बॉन्ड कौन सा होता है उसके अंदर, पाई। और बी टू मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामेट्रिक है डायमेट्रिक, तो वो पैरामेट्रिक है। अब जो सी टू मॉलिक्यूल है उसकी बात करते हैं, तो देखो सी टू है क्या, बी टू मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, सी टू मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट हमने लिखा है वो तो एज इट इज हमारे पास में रहेगा, ये जो अभी तक हमने लिखा है वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहां तक मैंने क्या फिल कर दिया बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब मुझे सी टू के लिए क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर और चाहिए या ऑर्बिटल जो है पूरी तरीके से नहीं भरे, तो अब यहां पर क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए, ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन को रख देंगे यहां पर, तो ये मेरे पास में बन गया सी टू मॉलिक्यूल। सी टू मॉलिक्यूल बच्चों कैसा निकला मेरे पास में, डाया मैग्नेटिक। तो सी टू मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास में आ गया, इट इज डाया मैग्नेटिक। साथ में सी टू के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालना, देखो कैसे निकालेंगे, ये सिग्मा माइनस के दो इलेक्ट्रॉन है, इनके इफेक्ट को कौन कैंसिल कर देगा, सिग्मा स्टार 1s के दो इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा 2s के दो इलेक्ट्रॉन है, इनके इफेक्ट को कौन कैंसिल कर देंगे, सिग्मा स्टार 2s। अब ये पाई 2px के दो इलेक्ट्रॉन, ये पाई 2px के दो इलेक्ट्रॉन, टोटल चार इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड और चार इलेक्ट्रॉन मतलब दो बॉन्ड, और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस सी टू का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, सी टू का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है 2, और जो इसमें दोनों के दोनों बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बनेंगे, पाई बॉन्ड, कौन से बनेंगे, पाई बॉन्ड। अब अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन कहता हूं, सोचो सी टू मॉलिक्यूल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बॉन्डिंग के अंदर जाएगा, तो अगर बॉन्डिंग में जाएगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं। तो देखो याद रखो, जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, अगर बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन जो काउंट है वो कम हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा, और अगर एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन जो काउंट है वो कम हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम है ओवल शेप डायग्राम, वो ओवल शेप डायग्राम किसके लिए वैलिड है जी, वो ओ टू के लिए वैलिड है, वो एफ टू के लिए वैलिड है, वो ओ एफ के लिए वैलिड है, और वो एनओ के लिए वैलिड है, किस किसके लिए, ओ टू एफ टू ओ एफ और एनओ। ओवल शेप ओ ओ टू ओ याद रहेगा आपको, तो वो O2 के लिए वैलिड है, वो OF के लिए वैलिड है, वो NO के लिए वैलिड है, और साथ साथ में वो F2 के लिए भी वैलिड है। अब ये ओवल शेप डायग्राम में अगर मुझे ये पता कराना हो कि जो O2 मॉलिक्यूल है उसका मैटिंग नेचर क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, जो O2 मॉलिक्यूल मेरे पास में बस उसके इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, O2 मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन के पास में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन भर दी, उसके बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको पता लग रहा है कि O2 मॉलिक्यूल हमारे कैसा आएगा, O2 कैसा आएगा हमारे पास में, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि उसके पास में क्या है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, O2 इज पैरामैग्नेटिक, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, तो देखो सिग्मा माइनस के दो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट सिग्मा स्टार माइनस कैंसिल कर देगा, सिग्मा 2s के दो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट सिग्मा स्टार 2s कैंसिल कर देगा, सिग्मा 2pz के दो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन अब मुझे यहां चाहिए थे,
सिग्मा स्टार 2πz, पर वहां तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो पाई 2px और पाई 2π कलेक्टिवली 4π इलेक्ट्रॉन हो गए, वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, डेट इज से 2π बॉन्ड बनाना चाहेंगे। पर पाई स्टार के भी मेरे पास में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ओवरऑल एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। इसलिए जो O2 हमारे पास में होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। O2 मॉलिक्यूल मास कैसा है, डायमेट्रिक के पैरामेट्रिक, जो O2 पैरामेट्रिक है, ठीक है, आई बात समझ में। जैसा O2 का नेचर होगा वैसे उसके ग्रुप के नीचे वाले का नेचर होगा। ग्रुप के नीचे कौन सा था, O2 के नीचे H2, तो O2 और H2 दोनों हमारे कैसे होते हैं, पैरामेट्रिक होंगे। आई बात समझ में, क्लियर है? तो सोचो अगर मैं कहूँ F2 मॉलिक्यूल जो है वो डायमेट्रिक है, तो क्या Cl2 मॉलिक्यूल भी डायमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। क्या Br2 मॉलिक्यूल डायमेट्रिक होगा, जी बिल्कुल होगा। क्या I2 मॉलिक्यूल डायमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। अगर F2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, अगर F2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो Cl2 का भी 1 आएगा, Br2 का भी 1 आएगा और I2 का भी 1 आएगा। तो वैसे अगर O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो S2 का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर मैं S2 मॉलिक्यूल बनाऊं तो एक सिग्मा और एक पाई बनेगा, ये भी कैसा आएगा, पैरामीटर। सिंपल सिंपल सी बात है, कॉमन से लगाए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको मेरे पास समझ में आ रही है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या है, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर स्पीसीज। मॉलिक्यूलर स्पीसीज का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मुझे NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, किसका निकालना है, NO का बॉन्ड ऑर्डर। देखो कैसे निकालूंगा, पहले मैं O2 वगैरह के डायग्राम को आपको और ज्यादा समझा देता हूँ। फिर देखो मेरे पास कि ये जो O2 है, O2 से मैंने बनाया O2 प्लस, उससे बनाया मैंने O2 माइनस, ठीक है, इनके बॉन्ड ऑर्डर निकाला। तो देखो O2 से O2 प्लस बनाने के लिए, O2 से O2 प्लस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना है। एंटी बॉन्डिंग से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो आधा बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा, कितना बॉन्ड बनेगा, आधा बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा, तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 है। अब O2 से O2 माइनस 1 बनाना है, O2 से O2 माइनस 1 बनाना है, तो माइनस 1 बनाने के लिए एंटी बॉन्डिंग मतलब पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आने से आधा बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, आधा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है कितना है, 1.5। वैसे ही अगर मैं O2 माइनस 2 करता तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता, 1, और अगर मैं कहता कि O2 प्लस 2 है तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता, 3, आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आ जाएगा। अब बताओ O2 प्लस पैरामेट्रिक है कि डायमेट्रिक, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, O2 के 16 इलेक्ट्रॉन होते तो O2 प्लस के बच्चों कितने होंगे, 15, सर ये पक्का पैरामेट्रिक है। O2 माइनस 1, सर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते तो O2 माइनस 1 में 17 इलेक्ट्रॉन, 17 वाला जो है डायमेट्रिक हो नहीं सकता, पक्का पैरामेट्रिक है। O2 माइनस 2, O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन तो O2 माइनस 2 में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन नंबर वाला केस है, कैसा होगा, डायमेट्रिक होगा। O2 प्लस 2, O2 प्लस 2 मतलब कितने हो गए, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन तो O2 प्लस 2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इवन नंबर वाला केस है, कैसा होगा हमारे पास में, सर ये डायमेट्रिक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, NO, तो देखो मैं NO को क्या लिख सकता हूँ, क्या नाइट्रोजन एटम को ऐसे लिख सकते हैं कि O प्लस, नाइट्रोजन एटम क्या है, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो है, तो NO को मैं लिख रहा हूँ OO, दैट मींस इसको मैंने लिख दिया O2 प्लस, तो मैंने क्या लिख दिया O2 प्लस। तो बच्चों O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5, तो मैं O2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो ये तो O2 प्लस दे ही रखा है, तो O2 प्लस अभी हमने सॉल्व करा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2.5, ठीक है। फिर साइनाइड की बात करते हैं, तो देखो साइनाइड का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, साइनाइड में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम काम करेगा वो नाइट्रोजन वाला काम करेगा। हमें पता है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। अब चेक करते हैं क्या ये नाइट्रोजन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक आ रहा है क्या, CN माइनस का मतलब क्या हो गया कि एक नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन एटम और एक नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटम में जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो नाइट्रोजन से एक कम होता है, पर हमने साथ में नेगेटिव चार्ज भी लेके आ गए, डेट जब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो बराबर हो गया नाइट्रोजन के, तो ये जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है, ये जो स्पीसीज है वो N2 के बराबर है। अगर ये N2 के बराबर है तो बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। अब बताओ ये पैरामेट्रिक है कि डायमेट्रिक साइनेडाइन, सर ये डायमेट्रिक है। उसके बाद OF, देखो OF को कैसे करेंगे, F एटम जो है एक्चुअली वो O माइनस 1 स्टेट ही, तो एक ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करके फ्लोरीन एटम के आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, O2 माइनस 1। जो O2 माइनस 1 होता है उसका बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5। हमें हर किसी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम याद नहीं करने, बस हमें उसको किसी एक नॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। पर NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं,
एनओ प्लस का जो मॉलिक्यूलर डायग्राम है वो ओटू जैसा होगा। ये देखो कैसे करेंगे, एनओ प्लस का मतलब क्या है, नाइट्रोजन का मतलब ओ प्लस, और एक ओ प्लस तो हमारे पास में पहले से ही था, तो ये बच्चों हमारे पास में क्या बन गया, ओ टू प्लस टू। ओ टू प्लस टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तीन। मुझे क्वेश्चन सॉल्व, ओ टू माइनस वन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस करा था 1.5। एन टू प्लस का निकाल, तो देखो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तीन, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सारे सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में भरे हुए, तो अगर मैं एन टू प्लस करूंगा तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकालना है, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने से बॉन्ड ऑर्डर वन वैल्यू से कम हो जाता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.50। और एन टू माइनस का अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो एन टू का बॉन्ड ऑर्डर तीन होता है, और एन टू में माइनस बनाने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर वन से कम हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 2.5। इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में आता है, फाइंड ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन स्पीसीज। थर्मल स्टेबिलिटी निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है, जी सबसे पहले आप निकालो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तो चेक करो बॉन्ड लेंथ, पहले क्या चेक करो बॉन्ड ऑर्डर, देन चेक करो बॉन्ड लेंथ। तो देखो ओ टू प्लस टू का बॉन्ड ऑर्डर थ्री होता है, ओ टू प्लस वन का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, ओ टू का बॉन्ड ऑर्डर टू होता है, ओ टू माइनस वन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, ओ टू माइनस टू का बॉन्ड ऑर्डर वन होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाने पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, तो इस डायरेक्शन में जाने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है स्टूडेंट्स वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब निकालता हूं एन टू, एन टू प्लस और एन टू माइनस का, ये भी जेई के अंदर क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एन टू, एन टू प्लस और एन टू माइनस, एन टू का बॉन्ड ऑर्डर थ्री, एन टू प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, एन टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, कहाँ सेम है, 2.5 2.5, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो कंसेप्ट लगाएंगे बॉन्ड की लेंथ का। तो देखो एन टू प्लस और एन टू माइनस में है क्या, एन टू प्लस में नंबर ऑफ प्रोटोन उतने ही है जितने एन टू माइनस में, पर एन टू प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टू माइनस से दो कम है, कितने कम है, दो कम। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होने का मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कम होना, शील्डिंग इफेक्ट कम होने का मतलब क्या है, साइज डिक्रीज होना। दैट इज एन टू प्लस में जो बॉन्ड्स बने हैं वो छोटे साइज के बने, और एन टू माइनस में उतने बॉन्ड्स बने पर बड़े साइज के बने, तो एन टू प्लस का थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, एन टू माइनस से ज्यादा होगा, तो बच्चों इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। एल आई टू प्लस, एल आई टू, एल आई टू प्लस और एल आई टू माइनस का निकालते हैं। एल आई टू का बॉन्ड ऑर्डर वन होता है, एल आई टू प्लस का 0.5 और एल आई टू माइनस का 0.5, फिर से वही कंसेप्ट है, सेम ऑर्डर आएगा, एल आई टू देन एल आई टू प्लस देन एल आई टू माइनस। एच टू, एच टू प्लस और एच टू माइनस, आई थिंक अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब बच्चों फिर से ऑर्डर क्या आएगा, एच टू प्लस और एच टू माइनस, फिर एच टू एच एच ई मॉलिक्यूल और एच ई टू मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर वन होता है। एच एच ई मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे, हीलियम के इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, हाइड्रोजन का एक, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा माइनस टू वाले हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन का होगा सिग्मा स्टार माइनस वाला होगा, दैट मीन्स ओवरऑल इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा, और एच टू मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, जीरो, तो ऐसा मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब हमारा इसमें इनके थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बना, क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, फिर से देखो मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आपको आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने को कहे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, आप लोग क्या करेंगे, पहले आप बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा तो आप चेक करेंगे बॉन्ड लेंथ। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्यों क्वेश्चन क्या हमारे पास में, बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनाइड आर, जो साइनाइड है अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, साइनाइड कैसा होगा, एन टू जैसा होगा, एन टू कैसा होता है, डायमेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तीन। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइऑक्सिन स्पीसीज इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन, इट मे बी, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होता है उसका इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वन। देखो तरीका क्या है, कोई कहे 1.73 बोर मैग्नेटॉन है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डेसिमल के पहले वैल्यू क्या लिखी है, वन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वन। कोई कहे किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 बोर मैग्नेटॉन है तो डेसिमल के पहले क्या लिखा है, बच्चों डेसिमल के पहले क्या लिखा है, टू,
तो नंबर वन पे तो ट्रू, कोई क्या किसी का 3.87 बोर मैग्नेटोन है मैग्नेटिक मोमेंट, तो डेसिमल क्यूब में क्या लिखा है 3, तो नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में वो कौन सी स्पीसीज होगी O2 से जुड़ी हुई जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा, तो सर वो स्पीसीज होगी जिसके पास में क्या होगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अभी हमने पढ़ा था O2 में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 से जब O2 प्लस 1 बनेगा या O2 से जब O2 माइनस 1 बनेगा, दोनों केसेज में क्या होगा एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा, तो यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे कितना होगा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तब चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, O2 और O2 माइनस, गलत हो गया, O2 माइनस 1 और O2 प्लस 2, ये करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4 CHCl3 CH4 आर इन द ऑर्डर। अरे इतना आसान क्वेश्चन, इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो होगा, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है और एक रेगुलर अरेंजमेंट है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, तो क्लोरोफॉर्म का सबसे आगे आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक और इंटर मोलिकुलर फोर्सेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें बताया चार्ज जितना ज्यादा होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतने स्ट्रांग होंगे, तो सबसे स्ट्रांग देखो तीन इंटरेक्शन कही है, एक तो आयन आयन, एक आयन डायपोल और एक डायपोल डायपोल, तो आयन आयन इंटरेक्शन सबसे स्ट्रांग इंटरेक्शन है, उससे थोड़ा वीकर इंटरेक्शन आयन डायपोल और सबसे वीकर इंटरेक्शन डायपोल डायपोल, जो यहाँ पर तीन वैल्यूज दी है, तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस 1 द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू। तो देखो आपको पता है कि O2 में हमारे पास में फाइनल जहां इलेक्ट्रॉन होता है वो π*2px और π*2py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम कहें कि O2 से O2 माइनस 1 बना रहे तो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी π*2px या π*2py में गया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन है π*2py, गलत, बॉन्डिंग में नहीं जाएगा वो, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, π*2px गलत, π*2px सही, σ*2pz रॉन्ग, क्योंकि σ*2pz तो और ऊपर है, अगर वो और ऊपर है तो वो O2 माइनस 1 की एक तरीके से एक्साइटेड स्टेट होगा। ओके, तो ये π*2px होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आ रहे अभी तो हमने पढ़ा था, the oxoacid of sulfur that does not contain bond between sulfur-sulfur atom is, तो देखो H2S4O6, क्या ये मेरे पास में SnO6-2 वाला केस है, बच्चों इसमें N का वैल्यू कितना है 4, तो नंबर ऑफ सल्फर-सल्फर बॉन्ड कितने होंगे 4-1 3, तो ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ क्योंकि that does not contain पूछा है। फिर H2S2O3, इसमें H2O3-2 है, इसमें सल्फर-सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। H2S2O7, इसमें कभी सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं हो सकता। H2S2O4, ये वही तो है H2O4-2 वाला केस है, इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। देखो है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसे आपको मैट्रिक का तैयार रखना। आगे बढ़ते, अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज बाय एनायन फॉर्मेशन इज, तो देखो अगर मैं C2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, NO मॉलिक्यूल और F2 मॉलिक्यूल की बात करो, जिस मॉलिक्यूल में एनायन फॉर्मेशन होते हुए, जिस मॉलिक्यूल में एनायन फॉर्मेशन होते हुए इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन एंटर होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा F2 में नहीं होता, ऐसा O2 में नहीं होता, ऐसा NO में नहीं, B2 और C2 में होता है, किसमें होता है B2 और C2 में, केवल B2 और C2 में ऐसा पॉसिबल है, आगे में पॉसिबल नहीं है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? ओके, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, C2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICl5 एंड ICl4- इस, अभी हमने क्वेश्चन करा, अगर मैं ICl5 का, बच्चों अगर मैं ICl5 का जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो कितना आएगा 7 + 5 / 2
डिवाइड बाय टू का मतलब कितना हो जाएगा, ये सिक्स, तो ये sp3d2 है। कैसा है sp3d2? तो इसका शेप हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर पिरामिडल, वैसे होना चाहिए डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिड। और जो ICA4 है, जो ICL4 है ये वाला, ये हमारे पास में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2 ही आएगा, पर ये स्क्वायर प्लेनर होगा। तो स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड पैरामेट्रिक करेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक। तो देखो एनओ में पहले पैरामेट्रिक से डायमैग्नेटिक का पता लगाते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। एनओ जो है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 7 और 8 15, मतलब कैसा होगा वो पैरामेट्रिक। वो कह रहा है कौन पैरामेट्रिक से डायमेट्रिक हो जाएगा, एनओ प्लस की बात करते हैं, एनओ प्लस के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15 से एक कम, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये पैरामेट्रिक से डायमेट्रिक हो रहा है। और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि एनओ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है और एनओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और भी चेक कर लेते हैं, N2 से N2 प्लस, ये तो डायमेट्रिक से पैरामेट्रिक हो रहा है, गलत ऑप्शन। O2 से O2 माइनस 2, ये पैरा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 का 2 होता है और O2 माइनस 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है, 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो नो डाउट ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, 2 pi bond and half sigma bonds are present in. तो अगर आप निकालें तो N2 इसका आंसर नहीं हो सकता, इसमें 3 pi bond होते हैं, O2 में 1 sigma bond और 1 pi bond होता है, O2 plus में हमारे पास में क्या होगा कि जो bond order है उसमें 1 sigma होगा, 1 pi होगा, और O2 plus करा है तो 1 आधा pi bond होगा, ये गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, N2 plus, क्योंकि N2 में bond order 3 होता है और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो बॉन्डिंग सिग्मा 2p से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा, तो इसमें हमारे पास में आधा सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। N2 में क्या होगा हमारे पास में, आधा सिग्मा बॉन्ड और इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ज़िनन इन XeO4 इज, तो कैसे करेंगे, ज़िनन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, सिंगल बॉन्ड ग्रुप कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। और कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे, तो n का वैल्यू 6 आ रहा है, ग्रुप कितने जुड़े हैं इसके अंदर, 5, तो एक लोन पेयर होगा, तो sp3d2 और 1 लोन पेयर। क्या आपको मेरे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है, मैं लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करता हूँ, प्लीज आप इतनी स्पीड से इतनी अच्छे तरीके से लोन पेयर कैलकुलेट करना, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारे पास में ये अब ये लास्ट टॉपिक ही है केमिकल बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास में एक बेचारा मासूम सा हाइड्रोजन एटम है, वो गलती से क्या हो गया, एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जेड से बॉन्ड बना रहा है। वो जेड क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है। और अब यह हाइड्रोजन के सरफेस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सराउंडिंग में से कोई ना कहीं से नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या क्या हो सकता है, या तो F या O या N या Cl। ओके, तो जब भी हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Z और ZS के बीच में ब्रिज का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्टार्ट कहां से होता है, F O या N से, और ये एंड कहां हो सकता है, F O N या Cl एटम पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है इसको निकालने के लिए जिस कंसेप्ट का यूज करते हैं वो क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड। जेड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। अगर जेड एटम सेम है तो हम कंसेप्ट लगाएंगे जेड एटम के साइज के हिसाब से, किसके हिसाब से, जेड एटम की साइज के हिसाब से। तो जो प्राइमरी फैक्टर है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड, और जो सेकेंडरी फैक्टर है वो हमारा उसमें क्या है, साइज ऑफ जेड। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल दिए जिसमें स्ट्रेंथ का मुझे ऑर्डर निकालना है, देखो क्या कंसेप्ट लगाऊंगा, एक तो है FH, OH और NH। तो बताओ इसमें केवल मैंने Z एटम ही तो दिया है, तो Z एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी, तो इसमें सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग FH, उससे कम OH और सबसे कम NH। फिर FH FH है और FH और OH है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, अगर Z एटम कॉमन हो तो Z डैश की बात करेंगे, Z डैश में क्या निकाल देंगे, साइज,
क्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका साइज छोटा है बच्चों? क्लोरीन का। दैट मींस क्लोरीन स्ट्रॉन्गर एंटीबॉडी बना रहा होगा एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर एफ एच जो है वो एफ माइनस आयन से बॉन्ड बना रहा है, और एफ एच का जो हाइड्रोजन है एक एफ एटम से बॉन्ड बना रहा है। तो अब कंसेप्ट लगाएंगे चार्ज का, किसका लगाएंगे? चार्ज का। फ्लोराइड आयन का जो है चार्ज कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, पर फ्लोरीन एटम का चार्ज कैसा है? पार्शियल नेगेटिव। कंप्लीट नेगेटिव चार्ज की तरफ हाइड्रोजन एटम आसानी से अट्रैक्ट होगा एज कंपेरिजन टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, पेपर में ये वाला ऑर्डर जो है फर्स्ट ईयर में आ रहा है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इट इज थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल, एंड इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज थर्मोडायनेमिकली लेस फेवरेबल देन इंट्रा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब इन दोनों रिएक्शंस के लिए जो बॉन्ड बनेंगे उन बॉन्ड्स का डेल्टा एस तो सेम ही होगा, क्योंकि जो बॉन्ड बने उनके बीच में जेड और जेड एच एटम क्या है हमारे पास में सेम है, तो जो डेल्टा एच है वो सेम होगा और दोनों की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। डेल्टा जी में ये टर्म मेरे पास में नेगेटिव आ रही है, दोनों ही के लिए नेगेटिव है, चाहे इंट्रा हो और चाहे वो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज, मेन फैक्टर ये है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक एंट्रोपी ड्रिवन फिनोमिनन है। तो देखो जो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड नहीं बनाते तो दैट मींस एंट्रोपी में कोई खास चेंज नहीं आया, तो एंट्रोपी चेंज नियरली मेरे पास में कितना है? जीरो। बट जो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दो से ज्यादा भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दैट मींस इसमें एसोसिएशन हो रहा है, रैंडमनेस कम हो रही है, एंट्रोपी क्या होगी? कम। तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज कैसा हो रहा होगा? नेगेटिव। सोचो अगर एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होने लगे तो ये टर्म नेगेटिव होगी तो पीछे वाली टर्म कैसी होने लगेगी? पॉजिटिव, है ना? कौन से वाले प्रोसेस में, कौन से वाले फिनोमिनन में डेल्टा जी के नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं? इंट्रा के केस में। सो डेल्टा जी रिएक्शन इज मोर नेगेटिव फॉर इंट्रा देन इंटर। इसलिए एक हाइड्रोजन एटम के पास में अगर चॉइस हो इंटर और इंट्रा करने की, तो वो बेचारा क्या प्रिफर करेगा? कि वो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाए। अब इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर तो जाएगा, पर उसके भी कुछ कंडीशन है। तो देखो बच्चों कुछ कंडीशन है। इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली तभी पॉसिबल होती है जब उसके कारण बनने वाला जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें कम से कम पांच मेंबर हो। कम से कम कितने हो? पांच मेंबर। कुछ जगहों पे देखा गया कि चार मेंबर की भी जो रिंग्स है वो रिंग फॉर्मेशन होने लग जाता है, बट स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पांच मेंबर होने चाहिए, छह मेंबर होने चाहिए, सात मेंबर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी टूटने लग जाती है। ओके, तीन मेंबर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इधर देखो कॉन्सेप्ट लगाते हैं मेरे पास में, इधर आओ देखो। अगर मैं कहूँ कि H2O2 मॉलिक्यूल में इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम हमारे पास में है ये किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे? तो देखो अगर ये हाइड्रोजन एटम इसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले तो ये थ्री मेंबर रिंग बनाएगा। दैट मीन्स ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना पसंद करेंगे? इंटर। हाइड्रोजन परोक्साइड केवल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कर सकता है। वैसे ही हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन भी केवल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, इंट्रा में नहीं करेगा। ओके, फिर ये मैंने बनाया एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। इसमें देखो अगर इस एच को इससे जोड़ने लगे तो चलो तुम जोड़ दोगे पर एक अनस्टेबल फोर मेंबर रिंग बनेगी, है ना? तो उस अनस्टेबल फोर मेंबर रिंग से बचने के लिए वो कौन से करेगा हमारे पास में? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं? क्लोरल हाइड्रेट। तो क्या बोलते हैं? क्लोरल हाइड्रेट। ये जो क्लोरल हाइड्रेट है इसमें देखो अगर हाइड्रोजन एटम, इसमें अगर हाइड्रोजन एटम इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर इस तरीके से कर जाएगा तो कितने मेंबर के यहाँ पर देखो चेन बन रही है, एक रिंग बन रही है, एक दो तीन चार पांच, फाइव मेंबर की यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्लोरल हाइड्रेट इंट्रा करना पसंद करेगा। कौन सी? इंट्रा। ये वाला हाइड्रोजन कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल कौन करेंगे? एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये केवल दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। उसके बाद मेरे पास में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हमारे पास में? इंट्रा। कितने मेंबर रिंग बन रही है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन है। ओके, अब ये जो पैरानाइट्रोफिनोल है इसमें देखो अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने का ट्राई करो
तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको हाइड्रोजन करने के लिए ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल है इसको बैंड होना पड़ेगा। अगर बेंजीन मॉलिक्यूल बच्चों बैंड हो जाएगा तो उसका एरोमेटिक करेक्टर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। अगर बेंजीन मॉलिक्यूल बैंड हो जाएगा तो एरोमेटिक करेक्टर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आप सोचो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या कोई अपना एरोमेटिक करेक्टर डिस्ट्रॉय करता है क्या मॉलिक्यूल? बिल्कुल नहीं। तो जो पैरा नाइट्रोफिनोल का ये जो एच एटम है, पैरा नाइट्रोफिनोल का जो एच एटम है वो कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना पसंद करेगा? इंटर। और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का जो एच एटम है वो कौन सी करना पसंद करेगा? इंट्रा। कौन सी करेगा? वो इंट्रा। उसके बाद देखो, अगर मैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने जाऊं तो ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल है उसको बैंड होना पड़ेगा। डेट मीन्स ये जो एटम्स हैं वो इंट्रा नहीं करेंगे, वो कौन सी करेंगे? इंटर। कौन सी करेंगे? इंटर। वैसे देखो मेरे पास में ये लास्ट मॉलिक्यूल है, इस लास्ट मॉलिक्यूल में अगर मैं एच को इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दूं तो कितने मेंबर की, अगर मैं एच एटम को फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दूं तो कितने मेंबर की यहाँ पर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का चेन बन रहा है, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लास्ट में और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन आ गया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन क्या, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। इथाइल बेंजीन पहले बनाते हैं, इथाइल बेंजीन, ये बेंजीन है, ये इथाइल बेंजीन हो गया, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो बच्चों आप सबसे पहले इन चारों के स्ट्रक्चर देख के बताओ कि कौन, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है, डायपोल जीरो किसका है? फोर्थ का। तो ऑर्डर जो होगा उसमें फोर्थ सबसे पीछे आएगा। ऑर्थो मेटा और पैरा में हमें क्या पता है कि ऑर्थो मेटा पैरा में जो ऑर्थो होगा वो सबसे आगे आना चाहिए, तो जो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन मतलब थर्ड ऑप्शन वाला जो टॉपिक है वो सबसे आगे आना चाहिए, या तो आंसर ऑप्शन डी होगा या आंसर ऑप्शन बी होगा। अब डी और बी में चेक करो इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तो मैच कर गया फर्स्ट और सेकंड में। डाइक्लोरो बेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कार्बन कार्बन बॉन्ड से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन का डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इथाइल बेंजीन से ज्यादा आएगा। तो अब हमारे पास में इसमें होगा सबसे ज्यादा होगा थर्ड का, सबसे कम होगा फोर्थ का, थर्ड से कम आएगा सेकेंड का, और सेकेंड लास्ट में होगा इथाइल बेंजीन फर्स्ट का। तो इसका आंसर करेक्ट है थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ये इसका जो आंसर करेक्ट है बच्चों वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है हमारे लिए, क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा है बच्चों हमारे लिए? ऑप्शन बी करेक्ट है। अब तो अब क्वेश्चन क्या है, अमंग H2O, अब क्वेश्चन हमारा उसमें क्या है, अमंग H2O, H2S, H2SE एंड H2T द वन विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। तो हमें बताया गया बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मेनली जो डिपेंड करता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। पर ये जो हमारे पास में 16th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं इनमें बॉइलिंग पॉइंट मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो H2O का होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस सोल्यूबल इन वॉटर देन पैरा नाइट्रोफिनोल एंड मेटा नाइट्रोफिनोल बिकॉज, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और बाकी पैरा नाइट्रोफिनोल और मेटा नाइट्रोफिनोल में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बताइए कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा फेवरेबल है हाइड्रोजन के लिए? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए अगर कोई स्टेटमेंट कह रहा है दैट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनोल बिकॉज, ऐसा क्यों है, तो कौन सा फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है? तो जो फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है वो क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल शोज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल शोज इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन का आंसर बनता है वो क्या बनता है? ऑप्शन बी बनता है। कौन सा वाला इसका ऑप्शन बनता है? ऑप्शन बी बनेगा। ओके, तो यहां तक हमने बच्चों क्या करा कि हमारे पास में पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के वेबिनार का पूरा डिस्कशन कर लिया है, इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। प्लीज इस वेबिनार को आप अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है?
बाद में पूरे तरीके से जो लाइव वीडियो है, ये लाइव वीडियो आपको एज अ रिकॉर्डिंग की तरह अवेलेबल हो जाएगा इसी चैनल पे। तो आप इसको पूरे तरीके से रिवाइज कर लेना, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई उन ट्रिक्स को यूज कर लेना, और ये जो पूरा चैप्टर है और जो हमने आज वेबिनार डिस्कस करा है, इसके आपको पीडीएफ भी कुछ समय बाद शेयर हो जाएंगे, तो इन पीडीएफ को भी आप यूज कर लेना। थैंक यू बच्चों, आज का वेबिनार हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट।